हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधा रानी फ्री एजुकेशन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 23 क्लास 9th और सब्जेक्ट है साइंस। तो ये 26 की तारीख का वर्कशीट है, ये आपको वर्कशीट कल मिलेगी। तो वर्कशीट का है जीवन की मौलिक इकाई, जिसे कहते हैं अंतरीय अंतर्द्रव्य जालिका या फिर ER। तो इस वर्कशीट में मेनली हम ये पढ़ने वाले हैं मुख्यतः कि अंतर्द्रव्य जालिका होती क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं और उसका काम क्या है। तो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल में पहले से हैं तो धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। तो अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे ER भी कहते हैं, मैं इसे आपको आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको जानने के लिए आसानी होगी। तो ये है अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे ER भी कहते हैं। अब इसका काम क्या है? ये होती है एक झिल्ली। ये झिल्ली से बनी बहुत सारी नलिकाओं का एक बड़ा सा जाल। तो झिल्ली से बनी बहुत सारी नलिकाओं का एक बड़ा जाल को ही अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। अब इसके दो प्रकार होते हैं, एक खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका और एक है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RER खुरदुरी को और SER चिकनी को कहते हैं। तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका को कहते हैं SER और खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका को कहते हैं RER। ये RER और SER इंग्लिश शब्द हैं, जिसका मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अगर आपका मन करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि RER या खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, जिनकी वजह से इनकी सतह खुरदुरी दिखाई पड़ती है। तो इसका मतलब एक तरह से ये बता रहा है कि जो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, खुरदुरी इसीलिए होती है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। अब जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम नहीं होते, जिसकी वजह से वो चिकनी दिखाई पड़ती है। इसके बाद हम जानेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि अब इनका काम क्या है। तो जो RER है, अंतर्द्रव्य जालिका, इनके बहुत से काम हैं, लेकिन कुछ मुख्य काम ये हैं कि ये प्रोटीन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाती है। अब प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए हमें DNA, जिसका फुल फॉर्म है DNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। तो जो हमारे सूचनाएं हैं, जो ये बताएंगी कि कौन सा प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होगा, ये सब DNA के अंदर होती है। DNA के अंदर होती है और कोशिकाएं जिनका प्रकार होती हैं। तो अब अगर सेल कोशिकाओं के अंदर अगर किसी भी प्रोटीन को बनाना है, तो उससे सूचना RNA तक जाती है, DNA से RNA तक सूचना जाती है, और RNA के रूप में केंद्रक से बाहर आती है और राइबोसोम तक जाती है। इन सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनता है। तो इस तरह प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन बनने के बाद जो कि आपकी अंतर्द्रव्य जालिका है, वो उसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देती है। अब आपको SER के बारे में बताया गया है, क्योंकि SER जो कि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के कार्य कुछ ज़्यादा ही होते हैं, तो इनके बारे में आपको बताया गया। तो देखिए, यहाँ लिखा गया है कि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका या SER में राइबोसोम नहीं होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यह चिकनी दिखाई पड़ती है। SER कोशिका, तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं, यह आपको याद भी रखना है, कंसेप्चुअली याद रखना बहुत इजी होता है। तो कोशिकाओं के कोई कार्यों में सहायक वसा, लिपिड, वसा तो आपको पता होगा, वसा को फैट कहते हैं, लिपिड पदार्थ के अणुओं के बनाने में सहायता करती हैं। तो ये एक तरह से जो अणुओं को बनाने में सहायता करती है। अब इसको तो कुछ प्रोटीन तथा वसा, फैट, कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक करते हैं, और इसी जो अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा ही संभव है इस प्रक्रिया को। तो जो ये प्रक्रिया होती है कि
प्रोटीन और फैट से सेल डिवीजन, या मतलब आप ये कह सकते हैं कि विभाजन के समय पर जो कोशिका झिल्ली बनती है उसे कहते हैं झिल्ली जीवात्जन। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बाद में, इसीलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी बता दूंगा। तो अब ये ER सिर्फ अंतर्द्रव्यीय झिल्ली के काम बता रहा है हमें, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे इसे। लिखा है ER कोशिका या फिर अंतर्द्रव्यीय कोशिका, जो भी आप कहना चाहें, कंफ्यूज नहीं होना है। ER ही अंतर्द्रव्यीय जालिका है और अंतर्द्रव्यीय जालिका ही ER है। तो ER कोशिका में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को होने के लिए सतह भी प्रदान करता है। तो मतलब ये एक तरह से सतह प्रदान करता है ताकि उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन हो सके। कोशेरुकी, रीढ़ की हड्डी वाले, तो कशेरुकी उन्हें कहते हैं जिनके जिन जानवरों के पास हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो जीवों की यकृत कोशिकाओं को कोई जहरीले पदार्थ से मुक्त करने में SER की मुख्य भूमिका होती है। तो अंतर्द्रव्यीय जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थ के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य भी करता है। इसका मतलब एक तरह से ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है सेल के बीच में। मैं आपको डायग्राम से समझाना पसंद करूंगा। तो देखिए, ये हमारे खुरदरी अंतर्द्रव्यीय है। तो ये क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ से बाहर निकल निकल के निकल निकल के ये यहाँ पे, तो ये एक नेटवर्क बनाते हैं ताकि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो मेनली यही बात है। उसके बाद नलिका के रूप में कार्य होता है। IER कोशिका में जालिका तंत्र का निर्माण करती है। तो कोशिका ये जालिका का तंत्र का निर्माण भी करती है। अब प्रश्नों का बारी है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, अंतर्द्रव्यीय जालिका के दो प्रकारों के नाम तथा उनके अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही आसान है। ये पहला आंसर आपको सबसे ऊपर मिलेगा यहाँ पर भेद में। तो यहाँ पर मैं पहला आंसर मार्क कर देता हूँ। यहाँ पहला आंसर तो आपसे ये पूछा गया कि कितने तरह के होते हैं, नाम लिखिए। तो नाम तो यही है, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। अगर आपसे ये पूछे कि इन दोनों में विभिन्न मतलब ये किस तरह से अलग हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका के ऊपर राइबोसोम होता है, लेकिन जो चिकनी के मतलब चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका के ऊपर राइबोसोम नहीं होता, जैसे मैंने अभी अंडरलाइन किया था ना। तो ये आंसर है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, राइबोसोम का कोई एक कार्य लिखिए। देखिए, राइबोसोम के यहाँ पर तीनों कार्य स्पष्ट किए गए हैं। आप इनमें से ये दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है, यहाँ पर तीनों आपको दिए गए हैं। आपको जो पसंद है आप वो लिखिए, जो आपको सरल लगे, समझ रहा आता हो वो लिखिए। झिल्ली जीवातजन किसे कहते हैं, यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कुछ प्रोटीन, यहाँ पे मैं तीसरा मार्क कर देता हूँ, ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, जो अंतर्द्रव्यीय जालिका द्वारा ही संभव है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवातजन कहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर का, वो है RER की सतह खुरदरी क्यों होती है। ये तो आपको मुझे कमेंट करके बताना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये आपको बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के लिए मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है चौथा, तो ये लिखा हुआ है, RER या खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, जिनकी वजह से इनकी सतह खुरदरी दिखाई पड़ती है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मैं इसे मार्क करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये RER से लिखेंगे आप और पढ़ती दिखाई पड़ती है तक। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने आपको समझा दिया है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैंने जो आपको समझाया वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। थैंक यू।